देखिए दोस्तों, अपने पास जो है ये सैटेलाइट का सेट फाइंडर है, और देख सकते हैं आप इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं बैटरी नहीं लगा, बैटरी लगा लेता हूँ। देख सकते हैं आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऑन हो करके और ये शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम शो कर रहा है इसमें। इसको आज हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इसे देख सकते हैं आप, इसमें शॉर्ट सर्किट बता रहा है, जैसे ही ऑन होता है वैसे शॉर्ट सर्किट बताने लग जाता है। तो हमारे पास ये मॉडल है, देख सकते हैं आप, पहले के भी हमारे मॉडल थे जो हमने आपको दिखाए थे जिसमें सिग्नल की प्रॉब्लम थी। अभी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से दिक्कत आ रही है। पहले हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं है इसमें कुछ कंपोनेंट। मीटर में आपको दिखा दूं, कैसे दिखाऊं, तो दोस्तों मैं इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं पहले, हमारे इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। इसमें आवाज, बीप का आवाज सुन सकते हैं। इसमें बैटरी का वायर हम हटा लेंगे। अब देखिए बीप का आवाज आपको शायद सुनाई दे रहा होगा कि नहीं है। वो पंखा चेक किया भाई, लाइट ही चली गई है, क्या चेक करूंगा, वहां पे भी काम नहीं हो पाया, वहां पे भी गया था। अब वहां छोड़ दिया क्या, एतवाद को लगा? हाँ वहां छोड़ दिया, अपना कर लिया। तो क्या खर्चा पड़ेगा, कोई आइडिया है क्या? फोन नंबर आपको दे दो, मैंने फोन किया था ना जो पापा आप। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, मैं आपको बता दूंगा चेक करके लाइट आते ही। ठीक है, खर्चा बता दूंगा उसके बाद ही फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ठीक है, खर्चा आपको बता के उसके बाद काम करें। यही वाला है? हाँ हाँ, देख लिया मैं मोटर, देख लिया क्या काम, यार चल नहीं रहा है ना, चल थोड़ा सा शायद पता अजीब सा आवाज। हाँ आवाज कर रहा है। ठीक है देख के बताऊंगा, वैसे कॉल तो फूका नहीं हुआ तो शायद। ठीक है ठीक, देखिए दोस्तों हमने जैसे कि पूरा इसमें चेक कर लिया है, लेकिन इसमें कहीं भी शॉर्ट सर्किट हमें नहीं बता रहा है। इसमें हमें कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। कहीं भी शॉर्ट सर्किट हमें शो नहीं कर रहा है हमें। तो दोस्तों हम इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके बाद आपको इसमें बताते हैं कि क्या कमी, थोड़ा इसमें समय लगेगा फाइंड आउट करने के बाद, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या परेशानी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे फाइंड आउट कर लिया है, ये शायद ये ख़राब है, इसको हम निकालते हैं। देखिए अभी भी इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि शॉर्ट सर्किट की ही प्रॉब्लम है, बैटरी, सॉरी दोस्तों बैटरी नहीं लगा रहा मैं इसमें। इसमें अभी भी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, आप बोलिएगा कि मीटर चेंज कर दिया, ये वो आपके सामने ही है। इसमें देखिए ये शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, अभी मैं आपके सामने इसको चेंज करता हूँ, और ये बिल्कुल देखिए दोस्तों ये आपका इस सामने ये मैंने निकाला है, शायद आपको दिख रहा हो। अब मैं इसमें आपको सामने दिखाता हूँ कि हमारी परेशानी दूर हुई कि नहीं। सॉरी बैटरी नहीं लगाया मैंने। देखिए दोस्तों बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे ये जो ट्रांजिस्टर थे ये हमारी शॉर्ट हो रही थी, जो ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारी शॉर्ट हो रही थी, जो यहाँ की हमारी ट्रांजिस्टर थी, यहाँ की जो हमारी ट्रांजिस्टर थी ये शॉर्ट हो रही थी, बाकी हमारा कंपोनेंट सब ओके था। अब ये हमारा मीटर बिल्कुल चालू हो चुका है,
इसमें हम देख लेते हैं कि और क्या परेशानी है। देखिए सिग्नल स्टैंड भी हमारा आ रहा है, जैसे कि मैं आपको अब सिग्नल लगा के तो फिलहाल दिखा सकता हूँ, एक बार देखता हूँ बाकी और कोई परेशानी के लिए किस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी किसी भी तरह के सॉलिड मीटर को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम का सलूशन करवा दूंगा। ठीक है, बाय दोस्तों।